नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइफ इंडिया न्यूज में। मैं हूं निशा आपके साथ, और इस वक्त आपके सामने हम लेकर हाजिर है दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीए और एनआरसी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आज फिर एक बार बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने सीए का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि एनआरसी और सीए की पश्चिम बंगाल में जरूरत है, इससे पता चल सकेगा कि कौन इस देश का है और कौन नहीं। राज्य सरकार इसलिए सीए का विरोध कर रही है क्योंकि तृणमूल को मजबूत करने वाले विदेशी हैं। विदेशी एजेंट उग्रवादी वोट देते हैं और तृणमूल जीतती है। पश्चिम बंगाल सीए आगे दरकार आज, और से राज्य सरकार सबसे प्रथम विरोधिता करछे। कारण ताहले ये जरा भोट कराए, जरा विदेशी एजेंट, जरा उग्रपंथी, जरा टीएमसी के शक्तिशाली करछे, तारा प्रथम आउट हो जाए। देशेर स्वार्थे, बांग्लार स्वार्थे सीए एखाने प्रथम दरकार आछे। आज कृषि मंत्री शोभन देव चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने विपक्ष सीए एनआरसी समेत उत्तर बंगाल के विकास पर, उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है उत्तर बंगाल का विकास हुआ है। हमसे पहले की सरकार में उत्तर बंगाल का हाल बहुत बुरा था। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी मोदी जी की फैन हो गई हैं। विपक्षी गठबंधन बनाते समय ममता बनर्जी को बाहर किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई बंगाल में घूम रही है। अगर जीतना है तो मोदी जी को खुश करना होगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइफ इंडिया न्यूज़, और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।